हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका प्रीवियस ईयर का हम लोग देख रहे हैं, PQRS वाला क्वेश्चन, जिसको पैरा जंबल भी कहते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट भी कहते हैं। 2 मार्च के क्वेश्चन हमने कर लिया था पहले ही पिछले क्लास में। आज हम लोग सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, 3 मार्च को पूछे गए सारे क्वेश्चन को। देखो PQRS एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा क्वेश्चन होता है इसमें, जिसमें अगर आप अपना कॉमन सेंस नहीं लगाते और अगर आप मान लिया जाए कि आप में कॉमन सेंस है नहीं कि हम कैसे पकड़ेंगे कि कौन से सेंटेंस के बाद कौन आएगा, कौन से सेंटेंस के पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, तो आपको डेवलप करना होगा। और ये डेवलपमेंट तभी होगा आपके अंदर जब आप एक अच्छे टीचर से बढ़िया से पढ़ोगे, ठीक है। तो आपको लॉजिकली भी समझना है कि कौन से सेंटेंस के पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, फिर उसके बाद कौन सा सेंटेंस आने वाला है, क्लियर। तो आपको लॉजिक भी समझना है, कॉमन सेंस भी लगाना है और कॉन्सेप्ट भी लगाना है। ऐसा नहीं होता है, देखो बहुत सारे लोग लिख देते हैं, लिखने को तो लिख देते हैं ट्रिक, कि मैं ट्रिक बता रहा हूँ, है ना, लेकिन PQRS का कोई ट्रिक नहीं होता भाई, उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं, समझो बात को, ठीक है। इसमें कॉन्सेप्ट होते हैं और यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं होता, और वही कॉन्सेप्ट आपको क्लू देता है कि भाई ये लॉजिक लगाओ, ये कॉमन सेंस लगाओ, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ही होता है रीडिंग स्किल का, उसको कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए 2 मार्च के सारे क्वेश्चंस को देखा था हमने, अब हम लोग 3 मार्च की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ था, ये है 3 मार्च के सारे क्वेश्चंस आपके, देख लो, ये है 3 मार्च का क्वेश्चन, है ना। अब हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो सेंटेंस को क्या कह रहा है ये ध्यान देना, ठीक है। यहां पर देखो इसको अगर पढ़ते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट आता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर है फर्स्ट सेंटेंस, आप जैसे रीड किए आपको पता चला यहाँ पर कि फर्स्ट सेंटेंस में शी दे रखा है, मतलब कोई फीमेल के बारे में बताया है, है ना। शी प्रोनाउन है, अगर ये प्रोनाउन है तो इसका नाउन जरूर आया होगा कहीं पर। आगे बढ़ते हो सेकेंड सेंटेंस में, यहाँ भी शी दे रखा है, मतलब है कि सेंटेंस ये दोनों से स्टार्ट नहीं होना है, है ना। इसके पहले वैसा सेंटेंस जरूर आया होगा जिसमें इसका नाउन का जिक्र किया गया होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है पोले, पोले लेंस द सेंट्रल कॉन्वर्सेशन अ विजुअल ग्रेविटास नॉर्मली रिजर्व्ड फॉर एपिक्स। यहाँ पर एक दे रखा है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ये, इसलिए लेंस दे रखा है यहाँ पर, मतलब ये यहाँ पर एक नाउन कैच किए हम लोग। आगे बढ़ते हैं, वुमेन टॉकिंग अडेप्टेड बाय द राइटर डायरेक्टर सारा पोले फ्रॉम मीरियम टोस 2018 नॉवेल इज वाइब्रेंट सिनेमा। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर दो महिलाओं का जिक्र है, एक सारा पोले और सेकंड आपका मीरियम टोस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम लोग, देखो सबसे पहली बात कि सेंटेंस ये दोनों से स्टार्ट नहीं होना है। अगर इस पैराग्राफ को थोड़ा भी समझते हो तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि ये कोई मूवी के बारे में जिक्र है, कोई सिनेमा के बारे में जिक्र है, है ना। जैसे फर्स्ट सेंटेंस पढ़े वहां ही दे रखा है द मूवी, मतलब कोई मूवी का जिक्र है, द मूवी दिया, इसका मतलब इसके पहले जरूर कोई ऐसा मूवी आया होगा, है ना, जिसका नाम मेंशन होगा वहां पर। अगला देखो, यहां पर भी फिल्म का जिक्र है, देख लो, है ना। और इस सेंटेंस में तो बताया ही गया है कि एक वाइब्रेंट सिनेमा है, सिनेमा बोल लो, फिल्म बोल लो, मूवी बोल लो, तीनों एक ही है, है ना। सिनेमा का मतलब भी मूवी होता है, मूवी का मतलब भी होता है फिल्म। बहुत लोग सिनेमा को सिनेमा घर समझ लेते हैं जिसको थिएटर कहते हैं, ठीक है। अगला देखो, तो यहां तक क्लियर है कि इंट्रोडक्शन तो हुआ होगा उस मूवी के बारे में, और कोई भी पैराग्राफ, ध्यान समझना, मैं मल्टीपल लॉजिक बताने वाला हूं कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, बाकी आंसर क्यों नहीं होगे, इसके मल्टीपल रीजन मैं बता रहा हूं, अब ध्यान से समझना इसके लॉजिक को। तो अगर ओवरऑल पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कोई ना कोई सिनेमा के बारे में बताया गया है, मतलब कोई मूवी या फिल्म के बारे में बताया गया है। तो कोई भी मूवी के बारे में बताया गया होगा तो सेंटेंस स्टार्ट हुआ होगा उस मूवी के नाम से। तो आपको यह कैच करना है, पहला लॉजिक है कि आपको यह कैच करना है कि वो फिल्म का नाम कहां पर मेंशन है, समझ रहे हो। तो यहां पर ध्यान देना, इस सेंटेंस को अगर डी वाले को अगर आप पढ़ते हो तो यहां पर दिया है इज वाइब्रेंट सिनेमा, मतलब कौन सा सिनेमा, कौन है इसमें सिनेमा। तो यहां पर वुमेन टॉकिंग एक सिनेमा का नाम है, एक मूवी का नाम है। कैसे पकड़े, कहोगे सर इसमें तो अगर मैं रहता एग्जाम में तो यही सोचता कि वुमेन टॉकिंग मतलब सारा पोले और मीरियम टोस दो वुमेन है जो आपस में टॉक कर रहे हैं, ऐसा हम समझ लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, ये फिल्म का नाम है, मूवी का नाम है। कैसे मैं बताता हूं, आप नाउन तो बहुत सारे टीचर से पढ़ रखे होंगे पहले से, है ना, नाउन।
लेकिन कभी आपको किसी ने बताया कि नाउन इन अपोजिशन, एक टॉपिक होता है नाउन के अंदर, लिख देता हूँ यहाँ पर देख लो, नाउन इन अपोजिशन, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपके नोट्स में है तो बहुत अच्छी बात है, और नाउन के नोट्स में अगर नहीं है तो एक बार आपको मेरे से नाउन पढ़ना चाहिए। मैं नाउन कंप्लीट पढ़ा दिया हूँ 1000 गोल्डन रूल्स वाले सीरीज में, उसमें मैं बताया हूँ बखूबी कि नाउन इन अपोजिशन किसको कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि नाउन इन अपोजिशन किसको कहते हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ वुमेन टॉकिंग, ठीक है, इस सेंटेंस में वुमेन टॉकिंग, इसके बाद दे रखा है कॉमा, एडेप्टेड बाय, मतलब इसके अनुरूप बनाया, इसके समान बनाया, बाय द राइटर डायरेक्टर सारा पोले, मतलब सारा पोले के द्वारा जो राइटर और डायरेक्टर है इसको इसके अनुकूल बनाया गया। किसके अनुकूल? फ्रॉम मिरियम टोस 2018 नॉवेल, 2018 में जो नॉवेल लिखा गया था मिरियम टोस के थ्रू, है ना, उसके नॉवेल के अनुरूप बनाया, उसके समान बनाया है। और वो कौन सा है? वुमेन टॉकिंग। तो मैं आपको बता रहा था नाउन इन अपोजिशन, जब भी कोई नाउन रहता है उसके बाद कॉमा दे करके उसका डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, मतलब उसका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया रहता है, तो समझना कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रखा है, इस वाले नाउन के बारे में। तो वुमेन टॉकिंग यहां पर मूवी का नाम है, है ना। अब कहोगे सर यहाँ डबल अपोजिशन है, जी हाँ यहाँ डबल अपोजिशन है, मतलब फिर से कॉमा दे रखा है और इस वाइब्रेंट सिनेमा लिखा है, मतलब वाइब्रेंट सिनेमा है कौन, वाइब्रेंट का मतलब होता है जीवंत, है ना, मतलब बिल्कुल जान ले आया उस मूवी में। तो वुमेन टॉकिंग के बारे में दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक तो ये बीच वाला और एक ये लास्ट वाला कि इज वाइब्रेंट सिनेमा, है ना, मतलब वुमेन टॉकिंग के बारे में दो बातें यहाँ पर कही गई है, एक तो कि किसके अनुरूप बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है, ये तो समझ गए आप। फिर वुमेन टॉकिंग के बारे में बोला है कि इज वाइब्रेंट सिनेमा, कि ये एक वाइब्रेंट सिनेमा है, जीवंत सिनेमा है, समझ गए बात को। तो कहीं ना कहीं वुमेन टॉकिंग जो है एक मूवी का नाम है, कैसे पता चला? नाउन इन अपोजिशन के थ्रू, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू पता चला कि कॉमा दे करके इस नाउन के बारे में बताया गया है, कोई वुमेन यहाँ पर टॉक नहीं कर रही है, है ना, वुमेन टॉक कर रही है तो वहां वर्ब को क्लियर मेंशन किया रहता कि वुमेन आर टॉकिंग अबाउट दिस, है ना, समझ गए बात को। अच्छा, इसको आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे तो देखो एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे ये करेंगे। अवतार आप लोग देखो, मूवी अवतार, है ना, अवतार एक मूवी है। अगर मैं लिखूं कि अवतार, फिर दूं यहां पर क्या कॉमा, फिर यहां बोलूं कि डायरेक्टेड बाय, डायरेक्टेड बाय, सिमिलर मैं बता रहा हूं सिमिलर सेंटेंस, जैसे ये डी वाले में दिया है, डायरेक्टेड बाय जेम्स कैमरन, जेम्स कैमरन, फिर दूं क्या यहां पर कॉमा, इज द बेस्ट मूवी एवर, इज द बेस्ट मूवी एवर, है ना, बेस्ट मूवी, मूवी एवर, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल लिए तो ये अवतार के बारे में बोला गया कि डायरेक्टेड बाय जेम्स कैमरन, मतलब जेम्स कैमरन के द्वारा डायरेक्ट किया गया, किसको? अवतार को। ये कॉमा यही चीज बताता है कि बीच वाला जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है अवतार के बारे में है, और लास्ट वाले कॉमा के बाद भी जो बोला है इज द बेस्ट मूवी एवर, मतलब अवतार इज द बेस्ट मूवी एवर, समझ रहे हो यहां पर बात को। तो इसी तरीके से डी वाले में भी है कि वुमेन टॉकिंग जो है ये अडेप्टेड बाय द राइटर डायरेक्टर सारा पोले फ्रॉम मिरियम टोस 2018 नॉवेल, मतलब मिरियम जो वुमेन टॉकिंग है मूवी, ये किसके अनुरूप बनाया गया? ये मिरियम टोस के नॉवेल के अनुरूप बनाया गया, और किसके द्वारा बनाया गया? तो सारा पोले के द्वारा बनाया गया, है ना। और ये कैसी मूवी है? इज वाइब्रेंट सिनेमा, एक ये जीवंत सिनेमा है। तो यहां पर क्लियर हो गया कि ये पैराग्राफ बोल रहा है किसी ना किसी मूवी के बारे में, और किसी मूवी के बारे में बोल रहा है तो आप मूवी का इंट्रोडक्शन तो दोगे ही पैराग्राफ में, और वो पैराग्राफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा, और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि शी ही या फिर दैट दोस ये सारे वर्ड से स्टार्ट होंगे, बिल्कुल नहीं, वो उससे स्टार्ट होगा जिसमें इस सिनेमा का नाम मेंशन होगा सबसे पहला लाइन में। तो इतना तो समझ गए कि डी वाले से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, डी वाले से ही स्टार्ट होगा, क्लियर। तो फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, तीन ऑप्शन है जो डी से आपका स्टार्ट हो रहा है, पहला लॉजिक था इसका, पहला लॉजिक था। दूसरा लॉजिक समझो, अगर हम डी के बाद ए को रखें तो यहां पर शी है, यहां भी शी है, तो क्लियर कैसे होगा कि ये सारा पोले के बारे में बोल रहा है या फिर मीडियम टोस के बारे में बोल रहा है?
समझने की कोशिश करो। अगर मैं ये दो नाम यहाँ पर मेंशन है इसके बाद शी लिख दूँ तब तो ये क्लियर नहीं बोलेगा ना। क्या क्लियर नहीं बोलेगा कि किसके बारे में ये बताया जा रहा है, तो क्लियर नहीं होगा। इसका मतलब है कि डी के बाद ए और बी तो आ ही नहीं सकता, डी के बाद ए और बी आ ही नहीं सकता। इतना समझ गए, दूसरा लॉजिक भी समझ गए। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाता है, डी के बाद ए और बी नहीं आ सकता, तो बच जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए और यही इसका आंसर होगा। तीसरा लॉजिक मैं समझाता हूँ। देखो अब आप क्वेश्चन कर सकते हो कि सर दूसरे तरीके से समझाओ कि डी के बाद ए और बी नहीं आ सकता, तो क्यों नहीं आ सकता। एक तो लॉजिक आप बता दिए कि दो वीमेन है तो दो वीमेन के बाद हम किसी शी को कैसे मेंशन कर सकते हैं, है ना, किसी एक वीमेन के बारे में शी आया होगा। तो तीसरा लॉजिक यह है कि किसी एक वीमेन के बारे में बोला गया होगा, है ना, ये शी मेंशन कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है किसी एक वीमेन को, और वो वीमेन इस सेंटेंस के जस्ट बाद आना चाहिए, तभी तो हम इसमें से कोई एक सेंटेंस देंगे ए या फिर बी जिसमें शी इंडिकेट कर रहा है उस वीमेन को। तो ध्यान देना कि डी के बाद यहाँ पर सी ही आएगा क्योंकि यहाँ पर दे रखा है पॉली लेंस, है ना, तो ये पॉली के बारे में, सारा पॉली के बारे में ये बता रहा है, समझ गए बात को। तो सी नंबर ऑप्शन आपका डी के जस्ट बाद आएगा, उसके बाद अगर हम सी के बाद ए और बी में किसी को रखेंगे तब साफ साफ क्लियर होगा कि ये सी जो है ये इंडिकेट कर रहा है पॉली के बारे में, है ना, सारा पॉली के बारे में। इसलिए डी के जस्ट बाद आपका सी आएगा और डी के जस्ट बाद सी यहां पर फर्स्ट ऑप्शन में है, समझ गए। चौथा लॉजिक समझो, एक और लॉजिक समझो। चौथा लॉजिक ये कह रहा है इसमें कि मान लिया जाए, अभी मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है ना, ये सब रीडिंग स्किल के कॉन्सेप्ट हैं, ये कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये लॉजिक समझना होगा, ठीक है। अवतार मैं भी ट्रिक लिख दिया हूं थंबनेल में, इसलिए लिख दिया हूं ताकि ट्रिक से लोग अट्रैक्ट होते हैं, भाई ट्रिक बता रहा है, ट्रिक बता रहा है, भाई कॉन्सेप्ट है समझो, और ये सारी चीज डेवलप हो गया आपके अंदर तो आप इजीली कैच कर पाओगे वहां पर। यहां पर मैं एक एग्जांपल दिया, अवतार क्या बोला था, अडेप्टेड बाय, अभी डायरेक्टेड बाय, है ना, डायरेक्टेड बाय जेम्स कैमरन, फिर कॉमा इज द बेस्ट मूवी एवर, जो भी यहां पर लिखा हुआ है। समझने की कोशिश करो कि फर्स्ट सेंटेंस जब भी ऐसा लिखा जाता है और उसमें एक किसी व्यक्ति का जेम्स कैमरन बार बार लिखा, मतलब जेम्स कैमरन अगर यहाँ पर फुल नेम लिखा गया है तो पता है अगला सेंटेंस में उसको कैसे रेफर करेंगे, जेम्स कैमरन को, पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा जेम्स कैमरन जेम्स कैमरन जेम्स कैमरन, ऐसा नहीं, ये थोड़ा सा और सा लगता है मेंशन करना, इसलिए सेकेंड सेंटेंस से इसके बारे में आ तो ही बोला जाएगा या फिर कैमरन 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 करके बोला जाएगा, मतलब यहाँ पर फुल नेम दिया गया है तो अगले सेंटेंस से सिर्फ कैमरन लिखा जाएगा। ये एक राइटिंग का मतलब जो भी एक राइटिंग का एक क्या बोलते हैं, थियोरी बोल लो या फिर इसके कॉन्सेप्ट बोल लो, तो उसका ये कॉन्सेप्ट है कि बार बार किसी का फुल नेम नहीं लिखा जाता। मान लिया जाए मेरा नाम मधुसूदन कुमार है तो मैं बार बार अपना नाम या फिर कोई राइटर मेरे बारे में लिख रहा है तो बार बार मधुसूदन कुमार नहीं लिखेगा सेंटेंस में, वो फर्स्ट सेंटेंस में लिखेगा फुल नेम, उसके बाद वो कुमार 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 या फिर मिस्टर कुमार ऐसे करके मेंशन करेगा, है ना। तो यहाँ पर सारा पॉले का फुल नेम दे रखा है और इसके जस्ट वाले बाद वाले सेंटेंस में इसका शॉर्ट नेम दे रखा है पॉले, समझ गए बात को। तो इतना तो क्लियर है कि फुल नेम के बाद शॉर्ट नेम आएगा, शॉर्ट नेम के बाद इसको शी और शी से रेफर किया जाएगा, समझ गए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं। सबसे पहली बात कि एक कॉमन सेंस लगाओगे कि ये पैराग्राफ है किसके बारे में, एक मूवी के बारे में, वो मूवी कहाँ है, उस मूवी के नाम से स्टार्ट होना चाहिए कोई सेंटेंस, उसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन हम कैसे करते हैं, उस मूवी के बारे में बता करके, कैसे जानेंगे ये वुमेन टॉकिंग एक मूवी का नाम है, नाउन इन अपोजिशन के कॉन्सेप्ट से जो मैं पढ़ा रखा हूँ पहले भी और अभी मैं आपको एक तरह से रिवाइज करा रहा हूँ। दूसरी बात, इतना तो क्लियर हो गया कि डी से स्टार्ट होना है सेंटेंस। दूसरी बात यह है कि डी के बाद सी तो आ नहीं सकता क्योंकि इसमें दो वुमेन का नाम है, तो कौन सा वीमेन इसमें आएगा, तो डी के बाद जस्ट कोई ऐसा वीमेन होगी जिसमें सिंगल वीमेन का नाम मेंशन होगा उस सेंटेंस में, सिंगल वीमेन वाला सेंटेंस आपका सी है, उसके बाद सी सी स्टार्ट करेंगे, है ना, मतलब सी सी कहना स्टार्ट करेंगे, तो पॉली के लिए ही सी आया है, इसका मतलब है कि डी के जस्ट बाद आपका सी होगा। थर्ड लॉजिक क्या बताया आपको कि फुल नेम जो है उसके बाद उसका शॉर्ट नेम लिखा जाएगा, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट थे, इससे हमें पता चल जाता है कि डी के जस्ट बाद सी आएगा और ऑप्शन नंबर ए यहां पर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
समझ गए। चलो भैया अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जरा यहाँ पर क्या बता रहा है, समझना जरा गौर से। यहाँ पर कह रहा है रोड एक्सीडेंट्स हैव बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया, ठीक है पढ़ लिए। कंडीशन ऑन रोड्स इन इंडिया इज पैथेटिक, ये भी पढ़ लिए। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स लीव लिटिल स्पेस ऑन रोड्स, रोड्स आर नैरो एंड रिमेन कंजेस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम। समझने वाली बात यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि रोड एक्सीडेंट जो है वो बहुत ही कॉमन हो गया है इंडिया में, ठीक है। कंडीशन ऑफ रोड्स इन इंडिया इज़ पैथेटिक, ठीक है, इज़ दिया हुआ है, हैव बिकम दिया हुआ है, ये सब चीज़ गौर करने वाली बात है। इन दोनों सेंटेंस को अगर पढ़ते हो तो एक चीज़ गौर करना, सी और डी में एक क्लू क्या है। यहाँ पर दे रखा है कि रोड जो है वो बहुत ही नैरो हैं, है ना, और यही एक कारण है जिसके वजह से इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल लीव लिटिल स्पेस ऑन रोड्स। अब रोड के ऊपर जो कम स्पेस बच रहे हैं वो किसके वजह से, क्योंकि रोड्स जो है वो बहुत ही नैरो हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन निकला इन दोनों सेंटेंस से, ये दोनों सेंटेंस से ये कंक्लूजन निकला कि ये जो है सी नंबर जो है ये क्या है, इसका परिणाम बोल सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि सी का जो कारण है ये डी है, है ना, कि रोड्स बहुत नैरो है जिसके वजह से वहाँ पर कम स्पेस बचता है। तो पहले कौन आया होगा, सी या फिर डी? ऑब्वियस सी बात है कि पहले डी आया होगा उसके बाद सी, कारण समझे आप लोग। डी इसलिए पहले आया होगा क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि रोड्स नैरो हैं और बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है, है ना, बहुत भीड़ भड़ाका वाला है, इसलिए क्या होता है कंजस्टेड मतलब नैरो के सेंस में ले सकते हैं, और यही एक वजह है जिसके वजह से वहाँ पर लिटिल स्पेस बचता है, बहुत कम स्पेस बचता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इसका कारण है, मतलब सी का कारण है डी, इसलिए डी पहले आया होगा और इसका परिणाम बाद में आया होगा सी। मतलब डी और सी का सीक्वेंस आपको समझ में आ गया, मतलब डी के जस्ट बाद आपका सी होगा। तो देख लो डी के बाद कहाँ कहाँ सी है, यहाँ तो पहले है, डी के बाद नहीं है, यहाँ पर ये थोड़ा सा पहले आ गया है ना, डी के जस्ट बाद आपका यहाँ पर सी है और यहाँ भी देख लो। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात ये थी कि ये दोनों का सीक्वेंस अगर पकड़ में आ गया तो इसका ऑप्शन नंबर 3 पे आप टिक लगा पाओगे, इसका 3 ही आंसर है। चलिए ये भी आप समझ गए, फिर से रिपीट कर देता हूँ, देख लो कि यहाँ पर रोड्स बहुत नैरो हैं और कंजस्टेड है, इसके वजह से वहाँ पर लिटिल स्पेस बच रहा है रोड पर। तो डी जो है ये सी का कारण है और कारण इसका पहले आएगा, तो डी ऑप्शन जो है ये सी से जस्ट पहले आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि सी से जस्ट पहले डी आया है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा, बाकी में ये सिक्वेंस नहीं है। अब हम लोग सीधा आगे बढ़ जाएंगे, 9th नंबर क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि एक बार पैसेज को पढ़ लो ध्यान से, When faced with uncertainty, humans look out, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कहीं हो सकता है कि कहीं पर आपको क्लू मिल जाए, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। वैसे पैसेज को आप ज़्यादा देर तक समझ करके पढ़ना जिसमें क्लू पकड़ में ना आए जल्दी से, अ तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना आए। मैक्सिमम पैसेज का क्लू सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ जाता है, अगर नहीं आता है तो हो सकता है सेंटेंस के लास्ट तक आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़े, लेकिन कोशिश करो कि आधे आधे सेंटेंस पढ़ो। When faced with uncertainty, humans look out, चलिए यहाँ तक कुछ नहीं दिया। According to him, अब देखो यहाँ पर आ गया प्रोनाउन him, इस प्रोनाउन का कोई ना कोई नाउन तो होगा ही, तो देखते हैं कि वो him कौन है। फर्स्ट सेंटेंस फिर से पढ़ो, क्या him का जवाब इसमें है? कोई व्यक्ति का यहाँ पर मेंशन नहीं दिया हुआ। अब जरा देखो सी में रॉबर्ट बी सियाल्डिनी, ये कोई व्यक्ति का नाम है, एक तो यहाँ पर पकड़ में आया। डी में देखते हैं कोई और है क्या। सिंस वी ऑल प्रेफर टू अपियर पोइस्ड एंड अनफ्लस्टर्ड अमंग अदर्स, अब देखो कहीं भी कोई व्यक्ति का नाम नहीं दे रखा, मतलब क्या हुआ कि पहले नाउन आया होगा, मतलब सी वाला आया होगा, उसके बाद बी आया होगा,
अब देखो कौन से सेंटेंस में सीक्वेंस आपका पकड़ में आ रहा है कि पहले आया होगा नाउन वाला सी, उसके बाद उसका प्रोनाउन यूज़ किया गया होगा बी वाले सेंटेंस में। तो सी बी का देख लो कौन सा सीक्वेंस आ रहा है, मतलब कौन से ऑप्शन में ऐसा सीक्वेंस दिया है। क्या क्या बताया, पहले सी आया होगा उसके बाद बी, सी और बी का सीक्वेंस, सी और यहाँ पर डी है, मतलब बी पहले आ गया है, सी के पहले बी आ गया है। सी और बी का ऑप्शन आपको थर्ड में दिखाई दे रहा है, सी और बी का सीक्वेंस, और यहाँ पर सी से सी के जस्ट ठीक पहले नहीं है बी, है ना। तो ये दोनों से कंक्लूजन निकला कि ये आपका नाउन वाला सेंटेंस है, इसका प्रोनाउन वाला सेंटेंस बी है, मतलब इसके ठीक बाद आपका प्रोनाउन वाला होगा, सी के जस्ट बाद बी। तो सी के जस्ट बाद बी ऑप्शन नंबर तीन में हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए ऑप्शन थ्री क्या हो गया आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टेंथ नंबर में। टेंथ नंबर क्या बता रहा है जरा देखिए, यहाँ बोल रहा है द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज्ड रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग। ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं तो जल्दी पढ़ लेंगे। द मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स, द मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स विल इंक्रीज द सी लेवल, ठीक है। द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशन इज कंसिडर्ड एज, ठीक है आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर इज मेल्टिंग द पोलर आइस कैप्स। समझो यहाँ पर गौर करोगे तो थोड़ा सेंटेंस पे ध्यान देना, एक यहाँ पर आपको समझने को मिलेगा, एक नए कॉन्सेप्ट सीखोगे। यहाँ देख लो, यहाँ पर हैज़ इंक्रीज्ड, हैज़ इंक्रीज्ड का मतलब है कि कोई भी घटना, हैज़ इंक्रीज्ड का मतलब क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है इसका मतलब कोई भी घटना पास्ट में घटी है जिसका असर अभी प्रेजेंट में भी है, है ना, प्रेजेंट में भी है, समझ रहे हो। मतलब ये घटना घटी है पास्ट में, विल इंक्रीज ये शो कर रहा है फ्यूचर को, ये शो कर रहा है पास्ट को, है ना। परफेक्ट टेंस का क्या मतलब होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, वो घटना पास्ट में ही घटी होती है, और पास्ट परफेक्ट का मतलब कि वो घटना पास्ट में घटी है और पास्ट में ही कंप्लीट हो चुकी। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई घटना पास्ट में घटी उसका असर प्रेजेंट में भी है, तो घटना कहीं ना कहीं घटी है पास्ट में, तो हैज़ इंक्रीज्ड ये पास्ट को शो कर रहा है, विल इंक्रीज आपका कब शो कर रहा है, ये फ्यूचर को शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इज कंसीडर्ड है, यहाँ पर इज मेल्टिंग है, ये दोनों कहाँ है, ये प्रेजेंट में आएगा। तो अगर सीक्वेंस देखोगे, टेंस का सीक्वेंस देखोगे, तो पहले जिक्र किया गया होगा पास्ट का, मतलब पहले पास्ट आया होगा, उसके बाद इन दोनों में से कोई आया होगा प्रेजेंट, और बाद में फ्यूचर। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि सेंटेंस कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ होगा ए से, क्योंकि ये पास्ट के बारे में बताया है, उसके बाद सी और डी में से कोई सेंटेंस आया होगा, अभी क्लियर नहीं कि कौन सा आएगा, और लास्ट क्या होगा, मतलब फ्यूचर, लास्ट क्या होगा फ्यूचर से, तो बी वाला सेंटेंस आया होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग हुआ होगा ए से और लास्ट किया गया होगा बी से। देख लो कौन सा ऑप्शन में ए से स्टार्ट किया गया है, बी से लास्ट किया गया है, है ना, ए से स्टार्ट और बी से लास्ट, ए से और बी से, ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, और कहीं दिखाई दे रहा है ए और बी से, नहीं, ए से स्टार्ट हुआ है फर्स्ट में ऑप्शन और बी से लास्ट भी किया है। मुझे उम्मीद है आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो कि कोई भी मान लिया जाए तीनों टेंस के दिए हुए हैं क्या सेंटेंस, तो उसका सीक्वेंस कैसे होगा, पहले जो घटना पास्ट में घटी होगी, फिर प्रेजेंट में, फिर फ्यूचर वाला। तो ये दोनों से, ए और बी से तो क्लियर है कि ए आया होगा पहले और लास्ट में आया होगा बी, तो ए और बी का देख लो सीक्वेंस, यहाँ पर ए पहले आया है बी लास्ट से, तो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इलेवेंथ नंबर क्या कह रहा है देखो। अब इसको देखते ही मतलब आधे लोग तो डर जाएंगे भाई कि इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस कौन पढ़ेगा, आपको पढ़ना ही नहीं है। जब लंबे सेंटेंस हैं आप छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ो स्टार्टिंग वाले, वहीं आपको क्लू अगर दिखाई दे दिया तो सही है, नहीं तो फिर पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे ही होता है कि आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाता है क्लू। देखते हैं, यहाँ पर दिया है ऑन द आफ्टरनून ऑफ द ऑफ दैट इवेंटफुल डे। अब देख लो यहाँ पर दिया है ऑन द आफ्टरनून ऑफ दैट इवेंटफुल डे। देखो दैट इवेंटफुल डे है, तो दैट डे का क्या मतलब हुआ, दैट डे का मतलब हुआ दैट क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, एक तरह से कि इसके पहले वो वाला पर्टिकुलर डे आया होगा, है ना, तो दैट इंडिकेट कर रहा है इस चीज़ को कि किसी पर्टिकुलर डे के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इस दैट का आंसर कहाँ ढूंढो, कहाँ पर है वो दैट डे, दैट डे के बारे में कहीं ना कहीं दिया होगा। तो देखते हैं सेकेंड
सेंटेंस पढ़ो, आई डिड नॉट नो वॉट द फ्यूचर हेल्ड ऑफ मार्वल और सरप्राइज फॉर मी एंड एंगर एंड बिटरनेस हैड प्रेड अपॉन मी कंटिन्यूअली फॉर वीक्स एंड अ डीप। यहाँ पर तो कहीं नहीं दिया, सेकेंड सेंटेंस में डे के बारे में कहीं नहीं डिस्कस है। फिर सी में पढ़ो, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन माई लाइफ। देख लो यहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे, जिसको उसने क्या किया है अपने लाइफ में याद रखा है ना। अब जरा देखो, यही इम्पॉर्टेंट डे है जिसको उसने याद किया है। अब जरा देखो, ये मतलब 1887 की बात कह रहा है ये। डी में क्या दिया है ऐसा कोई डे के बारे में? द आफ्टरनून के बारे में दिया है, कहीं वैसा डे के बारे में मेंशन नहीं है, है ना, समझ रहे हो बात को। तो क्या इससे कंक्लूजन निकला कि दैट डे का आंसर आपका छुपा था सी में। मतलब पहले कौन आएगा, पहले सेंटेंस में, मतलब पूरा पैराग्राफ में पहला सेंटेंस कौन होगा, पहला जो भी होगा। लेकिन इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकला, इन दोनों से कंक्लूजन निकला कि पहले सी आया होगा ए से, क्योंकि ये पहले, मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि पहले नाउन आएगा उसके बाद उसका प्रोनाउन आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है, इंडिकेशन क्या है, उस पर्टिकुलर डे के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। मतलब पहले सी आया होगा, है ना, और उसका परिणाम जो भी है वो ए में दिखाई दिया है। देख लो, ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे और यहाँ पर है दैट इवेंटफुल डे, दैट का आंसर आपका इसमें छुपा है, इसलिए पहले सी आएगा और उसके बाद ए आएगा। मुझे उम्मीद है क्लियर है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देख लो, ध्यान से समझो, यहाँ पर अगर हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़े पैसेज को देखते ही, ऑन द आफ्टरनून ऑफ दैट इवेंटफुल डे। अब दैट इवेंटफुल डे मतलब कोई पर्टिकुलर डे इसके पहले आया होगा, तभी तो दैट लिखा है यहाँ पर। तो वो पर्टिकुलर डे कौन है, वो पर्टिकुलर डे है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन ऑल माई लाइफ। तो यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है, मतलब पहले सी आया होगा उसके बाद ए आया होगा, जिसमें दैट है, समझ रहे हो बात को। तो सी और ए वाला क्या करना है आपको, सीक्वेंस को देखना है कि कौन से ऑप्शन में सी के बाद, जस्ट बाद, मतलब ए आया है। तो यहाँ पर गौर करते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सी और ए वाला देख लो, सी के बाद यहाँ पर ए है, चलिए ठीक है, लेकिन जस्ट बाद है ऐसा कोई क्या, सी के जस्ट बाद आपका ए है ना। तो ये आपका आंसर है थर्ड नंबर, सी के जस्ट बाद ए है। उम्मीद है आप पूरा सीख गए इसको, मतलब समझ रहे हो, कोई भारी भरकम तो है नहीं। तो थर्ड नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर लास्ट है, मतलब 3 मार्च के एग्ज़ाम जो हुए थे उसका लास्ट क्वेश्चन है। 6-6 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा चुका है। अब जरा देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है, देन अ नर्स एंड अ डॉक्टर केम आफ्टर द टेरिबल एक्सीडेंट, अ कार टूक रमन टू द हॉस्पिटल, द टू मैन कैरिड हिम टू अ बेड एंड पुट हिम इट केयरफुली। समझो यहाँ पर बात को, क्या दिया है, यहाँ दिया है कि एक नर्स और डॉक्टर आता है, चलिए ठीक है, पैसेज पढ़ करके समझ में आ रहा है कि किसी मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो सबसे पहले घटना क्या घटी होगी, एक्सीडेंट का होना, है ना, पहले एक्सीडेंट हुआ ये बता रहा है। तो पहले एक्सीडेंट हुआ होगा, मतलब सेंटेंस बी से स्टार्ट होगा। उसके बाद एक कार वाला आया और रमन को हॉस्पिटल पहुंचाया, तो इसके बाद सी वाला होगा, है ना। फिर दो आदमी मिल करके उसे बेड तक पहुंचाया, तो डी वाला ऑप्शन होगा। और लास्ट में देन मतलब उसके बाद एक नर्स और डॉक्टर आए, तो यहाँ पर ए, समझ गए। अगर नहीं समझे तो मैं देखो आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पर पहले तो एक्सीडेंट का, एक एक्सीडेंट हुआ होगा, उसके बाद वो बंदा को कोई हॉस्पिटल पहुंचाया होगा, उसके बाद लोग उसको हॉस्पिटल के बेड तक दो आदमी ने मिल के पहुँचाया, और लास्ट में डॉक्टर आया, समझे बात। तो इस वाले सीक्वेंस के हिसाब से पहला ऑप्शन क्या होगा, एक्सीडेंट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब सेंटेंस नंबर बी, एक्सीडेंट का होना। फिर हॉस्पिटल पहुँचाया गया, तो हॉस्पिटल पहुँचाया गया सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। फिर क्या है, बी वाले में देखो, मतलब बेड, ये बेड वाला था, तो हॉस्पिटल के बाद क्या, वो बेड तक उसे पहुंचाया गया, तो बेड वाले में देख रहे हैं कि यहाँ पर डी वाला ऑप्शन में है। फिर यहाँ पर डॉक्टर आए, तो ए वाला ऑप्शन, ए वाला सेंटेंस। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, बी सी डी ए डायरेक्टली बन जा रहा है, बी सी डी ए, मतलब थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है, यहाँ आंसर है, ठीक है। तो थर्ड नंबर यहाँ आंसर क्लियर है आपका।
तो चलिए सारे क्वेश्चंस आप देख लिए आज के शिफ्ट वाले, तो आज भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको। और इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चंस आपसे छूटेगा। और वो गलती से अगर छोड़ दिया अलग की बात है, लेकिन इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो सारे नॉलेज सारे क्लू आपको देखने को मिल जाएंगे सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखा, आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना।